ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाने में 1 जुलाई से अभी तक कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत अब बुरहानपुर जिले के सभी थानों में जो नए प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं वह सारे नए विधि के में दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के तहत शाहपुर थाने में 1 जुलाई से अभी तक नए कानून के तहत कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। नवीन कानून के बारे में आमजन के साथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए पुलिस जनसंवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। तीनों नए कानून को लाने का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब हम अपराध दर्ज कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर अभी तक शाहपुर थाने में 7 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं नए कानूनों के तहत, नए विधि से, और इसका हम प्रचार प्रसार भी चारों तरफ कर रहे हैं। स्कूलों में, गांव में जाके लोगों से संवाद करके, कॉलेजों में सभी को नए कानून के बारे में, उनके नए प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं। अब जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत की जा रही है। जो भी हम जब्ती वगैरह कर रहे हैं उन सबकी हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं और जैसा कि उसमें वर्णित है उस तरह से उनको संपादित किया जा रहा है। उसको अब जो उसकी मंशा है वो उसके अनुरूप ही है, वो न्याय पर आधारित उसको बनाया गया है, और जो परेशानियां पहले के कानूनों में आम जनता को आती थी उनको पूरी तरह से दूर करने की पूरी कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे उसमें प्रावधान है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।